अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से अक्टूबर महीने में 3 उमरा ग्रुप्स के जरिए रवाना होने वाले आज़मीन उमरा और इसी महीने बगदाद रवाना होने वाले ज़ाहिरीन के लिए एक रोज़ा तरबेती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत कर अपने इल्म में इजाफा किया है। इस तरबेती कैंप में मुफ्ती शहर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल राज़िक मिज़बाही साहब ने तमाम आज़मीन उमरा और बगदाद रवाना होने वाले ज़ाहिरीन की बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई की है। इस तरबेती कैंप में तमाम डिटेल बताते हुए प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद जावेद साहब ने कहा, अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए अगले महीने नवंबर में भी 4 पैकेज तैयार किए गए हैं और अक्टूबर महीने की 10 और 23 तारीख को रवाना होने वाले पैकेजेस में भी कुछ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपने हॉलीडेज को उमरा का सफर तय कर सकते हैं या फिर अगले महीने नवंबर में भी हर हफ्ते ग्रुप रवाना होगा, आप इन पैकेजेस के जरिए भी उमरा का सफर तय कर सकते हैं। आज की तारीख में अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स अपनी बढ़िया सर्विसेज के चलते बुलंदियों पर हैं। हर महीने 4 से 5 ग्रुप उमरा रवाना हो रहे हैं और अब तक उमरा की सआदत हासिल कर चुके लोगों ने अपने अच्छे तासुरात पेश किए हैं। अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा उमरा कराने के साथ लोकल ज़ियारतें और ख़ासकर मदीना में स्पेशल 50 ज़ियारतें करवाई जा रही हैं। मोहम्मद जावेद साहब ने काफ़ी कम वक्त में अपनी बेहतर सर्विसेज के जरिए लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं। अगर आप भी उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर गुलबर्गा दरगाह रोड इनामदार पेट्रोल पंप के अपोजिट जागीरदार कॉम्प्लेक्स में मौजूद अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को विजिट करें। तवाफ करने में एक मसला जो बताना था कि मर्द के लिए सुन्नत यह है कि जो एहराम का कपड़ा पहने हुए होता है, एक तो कमर से बांधे रहते हैं और एक उड़े हुए होते हैं, लेकिन तवाफ की हालत में क्या करेंगे, चादर को ऊपर कंधे की बजाय चादर का एक कोना नीचे से लाकर अपने दाएं हाथ के बाजू से लाकर के नीचे से उसे बाएं हाथ पर डाल लेंगे और ये सिर्फ खुला रहना है, सिर्फ किस हालत में, तवाफ करने की हालत में। इसके अलावा न तो आप तवाफ करने से पहले आप खोलेंगे इसको और न तवाफ करने के बाद। बहुत सारे लोग ऐसे क्या एयरपोर्ट ही पे कर लेते हैं, प्लेन में घुसते हैं तो उनका एक खुला रहता है, उनको मालूम ही नहीं है, पता नहीं कुछ किस टूर से जाते हैं कि उनको ये तक नहीं बताते हैं। और फिर जब तवाफ कर लेते हैं पूरा उमरा हो जाता है तो भी खुला रहता है उनका, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ तवाफ करने की जो हालत होती है वो भी कौन सी तवाफ, आपकी उम्र का जो तवाफ है। जब आप नफली तवाफ करेंगे तो फिर नफली तवाफ में नहीं खुलना है इसको, जहां सिर्फ तवाफ करेंगे आप तो नफली तवाफ में भी ठगा रहना है, सिर्फ उस तवाफ में कि जिसके बाद आपको सही करनी है उसी में खुला रखना है। इसी तरीके से मरवा से सफा आने में निशान हरे ट्यूब लगे हुए हैं, आपको वहां से वहां दौड़ना रहता है। जब 7 चक्कर हो गए आपकी सही हो गई और फिर अब आपकी उमरा का एक अमल बाकी रह गया, हलक करना, बाल मुड़वाना या बाल कतरवाना। मर्द के लिए बाल मुड़वाना अफजल है। जो ही आप बाल मुड़वा लिए आपका उमरा मुकम्मल हो गया। घर से आपको निकलते वक्त देखिए सबसे पहले अहराम की 2 जोड़ी अपने साथ में रख लेना है। अपना जब आप बैग पैक करेंगे, लगेज बैग जो हम दे रहे हैं आप वो साथ में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, या आप अपना बैग भी लेना चाह रहे हैं तो उसके पर अपनी पहचान वगैरह ये करवा लें। तो 2 जोड़ी अहराम है, 5 से 6 जोड़े कपड़े रख लीजिए आप। चप्पल जो होती है पैरागॉन जैसी वाली चप्पल आप साथ में रख लें, जो 2 डाली वाली जो बोलते हैं, 1 से 2 जोड़ी रख लें। जिसको चश्मा है वो 1 से 2 चश्मे जायद अपने साथ में रख लें, कभी गिर गया तो फिर वहां पर आपको बहुत महंगा बनता है। बहुत से लोग फिर जिनको बिल्कुल बगैर चश्मे के नहीं रह सकते तो उनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना वहां करना पड़ता है। तो आप लोग क्या करें, 1 से 2 जोड़ी चश्मे रख लें, पैरागॉन चप्पल 1 से 2 रख लें आप, 5-6 जोड़ कपड़े रख लीजिए। आपके रेगुलर जो मेडिसिन है, जैसे जी किसी को बीपी है, शुगर है या कोई बीमारी चल रही है जिनको टैबलेट सुबह शाम खाना है, जैसे कि हम 15 दिन के सफर पे जा रहे हैं तो आप कम से कम 1 महीने के टैबलेट्स अपने साथ में रख लें। अब टैबलेट्स को पूरी एक ही जगह ना रखें, आप 2 से 3 बैग में डिवाइड करें, आप 1, 2, 3, जैसे कि ये हमारा बैग होता है हैंड कैरी वाला बैग, आपको जो देते 3 बैगों में से एक हमारा ये होता है हैंड कैरी, इसमें थोड़े रख ले आप 3-4 दिन के, एक और एक बैग में थोड़े रख ले, एक और एक बैग में थोड़े रख ले। इसकी वजह ये है कभी कभी किसी वजह से बैग हमारा रुक जाता है, 1 दिन के बाद कभी 2 दिन के बाद आता है, तो आपको जो है ना टैबलेट्स की वजह से आपकी सेहत पे किसी किस्म का असर ना पड़े, इसीलिए टैबलेट्स को 2 से 3 चीज़ों में आप 2 से 3 बैगों में डिवाइड करने की कोशिश करें, समझ गए आपको। और रेगुलर बेस की जो मेडिसिन होती है, जिसे सर दर्द है, बॉडी पेन है, बुखार है, सर्दी है,
चक्कर आना है, उल्टी आना है, ये कई चीजें होती है। अगर किसी को इसकी आदत है, जैसे सफर किसी को नहीं जमता, बस में बैठते किसी को उल्टे आते, खास खवातीन में ऐसा देखा हमें आता है कि बस में बैठते उनको उल्टे आना शुरू होती है, तो आप उससे पहले ही अपने साथ टैबलेट रख ले, आप उसको खा ले, एहतियात करने की आप कोशिश कर ले, अपने फैमिली डॉक्टर से एक मरतबा रब्ता करके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज 1 अक्टूबर बरोज़े मंगल मैजेस्टिक फंक्शन हॉल में अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से माह अक्टूबर में जाने वाले 3 ग्रुप्स और इसी महीने में बगदाद को जाने वाले तमाम ज़ायरीन हरमैन तैयबैन और ज़ायरीन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके लिए यहाँ पर एक तरबियती कैंप रखा गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने शिरकत फरमा कर अपने इल्म में इजाफा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस ट्रेनिंग कैंप में हर बार की तरह इस बार भी मुफ्ती शहर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल राज़िक़ मिसबाही साहब क़िबलानी ज़ायरीन हरमैन तैयबैन की बेहतरीन अंदाज़ में रहनुमाई फरमाई, उनके इल्म में इजाफा फरमाया, उनके मसाइल का अच्छे अंदाज में जवाब देने की भी कोशिश फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के आने वाले पैकेजेस हम इन चैनल्स के ज़रिए से अनाउंस कर रहे हैं। नवंबर में भी हमारे 4 पैकेजेस हैं और अक्टूबर की 10 तारीख और 23 तारीख में भी कुछ सीट बाकी है। जो हजरात अक्टूबर की इस छुट्टियों में उम्रे का सफ़र करना चाहते हैं, वो अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स से ज़रूर रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह शहर गुलबर्गा में अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी इज्जतों से, नाम से नवाजा है, क्योंकि हम हाजियों की दिल से खिदमत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको उम्रे कराने में, ज्यारतें कराने में मसरूफ रहते हैं। जैसे कि हम माह रबीउल नूर से अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स ने 50 स्पेशल मदीने पाक की ज़्यारतों का अहतमाम किया है। इन ज़्यारतों से काफ़ी लोगों ने फैज़ उठाया और काफ़ी लोग अपनी खुशी का इजहार भी किया है। आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं काफ़ी हाजी साहिबान के फीडबैक, गुलबर्गा हेडलाइंस है, आप अगर जाके देखेंगे उस पर भी हाजियों ने अपने फीडबैक्स रिव्यू दिए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप अगर उमरा जाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स को मौका दें। इंशाल्लाह हम आपकी बेहतरीन अंदाज में खिदमत करते हुए आप हमें पाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।